फ्रूट केक। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे फ्रूट केक। सबसे पहले आ जाते हैं फ्रूट केक की तरफ, और फ्रूट केक के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बताते चलें। इसके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो देख लीजिएगा। इसमें जब भी आप ग्लेस फ्रूट बनाते हैं, डालते हैं, आप देखते हैं कि जो फ्रूट नीचे सारा बैठ जाता है केक में, उसकी एक वजह है उसमें जितने ग्लेस फ्रूट है, जिसमें ये हमने ऑरेंज पील लिए, या आपने मैदे में इसको शामिल कर देना है। देखें, ये हमने मैदे में डाला और साथ में ये पेठा कद्दू है जिसको हमने शामिल कर दिया। ये क्यों इसमें डाल रहे हैं, ये अमूमन देखें इसके ऊपर सारा ये इसका शुगर का ये लगा हुआ है ये सिरप, और ये अमूमन होता ही है कि सिरप की वजह से नीचे बैठ जाते हैं। इसका तरीका ये है कि हमने इसको मैदे में डाल लिया तकरीबन एक कप, और इसको मैं इसमें थोड़ा मिक्स करूँगा। नीचे बैठने की एक और बहुत बड़ी वजह इसमें जो इसका टेम्परेचर है ओवन का, ये भी एक बहुत बड़ा वजह बनती है कि आपके फ्रूट सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं। इसका लो टिन जिसमें हमने इसको बेक करना है, इसको हमने ऑयल लगा दिया है, और नीचे की सरफेस पे हमने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा इतना बटर पेपर हमने इसके बेस में लगाया, सिर्फ बाकी साइडों में नहीं लगाया, साइड में हमने सिर्फ ऑयल लगाया। ओवन पहले से ऑन, प्री हीटेड ओवन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को जिनको बेकिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है वो सारा मिक्स बना लेते हैं। और सबसे पहला काम मक्खन को आप रूम टेम्परेचर पर कोशिश करें लिया है, ताकि इससे आप आसानी से इसको फेंट सकें। साथ में इसमें ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नॉर्मल शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, मैदे में हमने एक खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर या एक खाने का चम्मच बेकिंग सोडा, मर्जी आपकी। नमक मक्खन चूँकि मैं बगैर नमक मिला इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिहाजा इसमें चुटकी भर तकरीबन आधा टीस्पून भी नहीं, उससे भी आधा 1/4 टीस्पून ये खुश्क अज्जा मैंने इसमें शामिल कर दी, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये गुठलियाँ जो हैं ये बेकिंग सोडा की या बेकिंग पाउडर की, इसको आपने हाथ से थोड़ा तोड़ लेना है, अदरवाइज़ ये फिर मिक्स नहीं हो पाती। हाथ से इसको फील करके जहाँ जहाँ आपको गुठली नज़र आ रही है इसको हाथ से तोड़ के इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। बस सबसे पहला काम करेंगे ये मक्खन और ब्राउन शुगर को फेंटेंगे। इसको हम इतना फेंटेंगे कि ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए, कि अभी जो आपको चीनी और ये मक्खन अलग अलग नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा ज़रा क्रीमी होना शुरू हो जाए, उस वक्त तक आपने फेंटना है। उसके बाद 8 अंडे हम एक एक करके इसमें शामिल करेंगे, अभी नहीं, जब ये थोड़ा सा ज़रा क्रीमी हो जाए तो इसको फेंटते चले जाएंगे। ब्राउन शुगर इस्तेमाल किया है, इसकी जगह आप नॉर्मल चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। चलिए, ये मक्खन अब थोड़ा सा ज़रा फेंटने की तरफ आ गया। अब इसमें हम एक एक करके अंडा शामिल करेंगे, तो एक अंडा शामिल किया और फेंटते जाएंगे। बस ये काम हमने जो एक अंडा शामिल किया, तो हर अंडे के बाद आपने इसको एक मिनट से कम से कम एक मिनट तक फेंटना है, तब के जाके आपने दूसरा अंडा इसमें शामिल करना है। तो पहला अंडा शामिल कर दिया और फेंटते गए, एक और अंडा शामिल किया और फिर फेंटते जाएंगे, और यही अमल हम जारी रखेंगे। सबसे पहले इसमें वेनिला एसेंस ये शामिल हो गया, इसको हमने थोड़ा छान लिया, जितना एक्सेस मैदा था उसका निकाल लिया, और इसके ऊपर मैदे की कोटिंग हो गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैदे की तरफ, और खुश्क मैदा पहले मिलाते जाएंगे, हाथ से मिक्स करते जाएंगे। ड्राई फ्रूट अभी हमने शामिल नहीं करने, सबसे पहले मैदा इसमें सारा शामिल होगा, आखिर में ड्राई फ्रूट शामिल होंगे। मशीन से सारा कुछ मिक्स कर लें, लेकिन ये जो बैटर है, ये मैदा और ये सारी चीज़ें, ये आपने हाथ से ही मिक्स करनी है। उसकी वजह ये है कि मशीन से ये ओवर मिक्स हो जाता है, और हाथ से ये ओवर मिक्सिंग नहीं होती, इसी वजह से आपका केक बड़ा स्मूथ और नरम बनेगा। ओवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। अच्छा, दूसरा आपको दिखाते चलें, ये देखें इसमें अभी तक आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, जब तक ये गुठलियाँ ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, खूब साइडों को भी हटा के, ताकि मक्खन वगैरह कुछ लगने मिक्स होने से रह गया। ये देखें अब स्मूथ हो गया, ये देखें, ये हल्का फुल्का छोटा मोटा दाना है, ये अभी जैसे खुश मेवा इसमें शामिल करेंगे सारा मिक्स हो जाएगा। ये आ गया इसमें अखरोट, किशमिश, ये करंट्स कहलाते हैं, और इसको आपने एहतियात से डालना है, इसमें पत्थर होता है। जितने साइज़ का ये किशमिश है, छोटा ये काले किशमिश, उतने ही साइज़ का पत्थर होता है, पता नहीं लगता, तो इसको आपने एहतियात से देखना है। ये पत्थर आ गया तो फिर कबाड़ा निकाल कर देगा सारा केक, और ये केक में, फ्रूट केक में मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम इसका रोल है। सो इसमें ये शामिल कर दिया, और साथ में ये कैंडिड फ्रूट्स जिसको हम हल्का हल्का, इसको हमने मैदे से भी कोट कर दिया। अब ये यहाँ पे पहले सांचे आ गए, ये पहले इसमें थोड़ा सा ऐड किया और अंदाजे से इसमें शामिल कर दिया, फिर देखेंगे किसमें कितनी ज़रूरत है। जितनी देर अब आप इधर यहाँ पे लगाएंगे केक को, उतने ही केक आपका मुतासर होगा, लिहाजा इसको जितना जल्दी हो सके
ओवन में डाल दें, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दें बड़ी अहम। ये आ गया मैदा और ये स्पैचुला से हम इसमें एक निशान बनाएंगे। अमूमन केक जब ये राइस करेगा तो ये फटेगा, क्रैक बनेगा इसमें, और वो क्रैक जो है कभी इधर निकल जाता है कभी उधर निकल जाता है। तो इसको एक पर्टिकुलर क्रैक का शेप देने के लिए इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने एक स्पैचुला लिया, उसको मैदे में इस तरह लगाया और आपने इसको एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया। देखिए सेंटर में हमने इसमें मैदे से ये दराड़ बना दी खुद, ताकि जब ये केक खुले तो वहाँ से खुले जहाँ पे हमने इसका निशान लगाया, तो ये बेक होने के बाद खूबसूरत नज़र आए, टेढ़ा मेढ़ा इसका जो केक जहाँ से खुलता है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। बस ये देखें, ये इसको मैदे में डाला और इसको हमने एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया, बस दैट्स इट। अब ये गया सीधा ओवन में, ओवन हमारा पहले से ऑन था, सेंटर में रखना है, ये देखें, और ये आ गया दूसरा भी। इसका बेकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30-35 मिनट्स है। केक एक बड़ा सांचा था, एक छोटा सांचा था, छोटा सांचा पक चुका। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने ओवन खोला और हाथ से इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस किया, और प्रेस करने से भी आपको आइडिया हो जाएगा जिस तरह अब ये केक है ये तैयार हो गया। देखें ये पक चुका है, बल्कि इधर ना रखूँ तो जल जाएगी। ये देखें जहाँ से हमने कट लगाया था वहीं से खुला, ये आ गया और ये सांचा इधर रख दिया। ये बड़ा नाजुक टाइम होता है, इसको वैसे उसूलन तो नहीं खोल के निकालना चाहिए क्योंकि बहुत केक टूटने के चांसेस होते हैं, बट स्टिल रिस्क लेने में क्या है, टूट ही जाएगा नहीं, टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। बस साइडों को थोड़ा सा छुड़ा लें फिर आसानी से निकल आएगा। हाँ अब इंशाल्लाह ये देखें बस बस, और इसका बटर पेपर निकाल लें नीचे से, कलर देखें नीचे से बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये परफेक्ट ओवन की सबसे बड़ी ख़ास बात है, राइट टेम्परेचर पे इसको आप बेक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बेहतरीन ही आएगा। ये आ गया हमारा फ्रूट केक तैयार। फ्रूट केक अज्जा, मैदा 350 ग्राम, ब्राउन शुगर 200 ग्राम, मक्खन 350 ग्राम, बेकिंग सोडा एक खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर एक चाय का चमचा, नमक एक खाने का चमचा, वनीला एसेंस एक खाने का चमचा, कटे अखरोट 150 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम, करंट्स 100 ग्राम, ऑरेंज का छिलका 150 ग्राम, ग्लेस पम्पकिन 200 ग्राम, अंडे 8 अदद। Add some masala to your life.